हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 60 डिग्री लैटिट्यूड बिकम जीरो। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाइक कैसे मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का रोटेशन इस ओमेगा, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, सच दैट यहाँ पे कंसिडर करो ये क्या होगा इक्वेटर, इक्वेटर से 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे ये जो g का वैल्यू मीन g डैश कितना, जीरो। क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है कि फाइंड द ओमेगा सो दैट मीन अर्थ रोटेट कर रहा है उसका क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा होता है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 60 डिग्री पे क्या है, जब भी एंगल दिया रहेगा लैटिट्यूड कितना दिया है, लैटिट्यूड 60 डिग्री मतलब इक्वेटर से कितने एंगल पे 60 डिग्री पे आपका जी का वैल्यू कितना है, जीरो है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे यहाँ पे, रेडियस भी देख के रखा है यहाँ पे, रेडियस कितना दिखा मैं मेंशन करता हूँ, हाउ मच रेडियस, रेडियस इज 64, आर भी मेंशन कर लो, आर इज 6400 किलोमीटर, तो ये हो गया 6400 किलोमीटर, 10 रेस टू कितना होता है 3 मीटर, तो ये होगा 64 इंटू 10 रेस टू 5 मीटर। चलो ऐसा यूनिट में आ गया। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या यूज करोगे, आपके पास लैटिट्यूड पे क्या होता है, जी का फॉर्मूला है, तो जी एट एनी एंगल थीटा कितना होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला देखा रहेगा आपने, डिराइव किया रहेगा। ओके, तो जी डैश एट एनी एंगल, ठीक है, एनी एंगल थीटा पे कितना होता है, जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी क्या है यहाँ पे, ये जी डैश क्या है, नेट, यहाँ पे थीटा पे क्या होता है, थीटा पे जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जी डैश, और जी क्या है इस इक्वेटर पे। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जी डैश जीरो दिया हुआ है, ठीक है, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एंड क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 60 लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, ठीक है, तो ये जी डैश को शिफ्ट कर लूँ यहाँ से इस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, इस जी ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, इस 1/2 का स्क्वायर इन टू योर जी, 1/2 का स्क्वायर 4 को वहां शिफ्ट कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, इस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 टाइम जी। क्लियर, याद है, समझ में आया, मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 टाइम जी डिवाइड बाय आर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या दिया है, 4, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, सॉरी जस्ट वेट, यस 4, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू कितना दिया अपने पास, बोलो 64 इंटू 10 रेस टू 5, तो यहाँ पे क्या पढ़ता हूँ, इज अ 64 इंटू 10 रेस टू 5, चलो कैंसिल करें यहाँ से एक 10 इससे कैंसिल, 64 से ये कैंसिल, हाउ मच 16, क्लियर, ओके, तो कितना आ गया आपके पास, इज 1/16 इंटू 10 रेस टू 4, इट इज ओमेगा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो इस ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 16 का स्क्वायर रूट इज 4 एंड 10 रेस टू 4 का स्क्वायर रूट इसका पावर हाफ कितना होगा, क्लियर, या तो समझ में आया, इसको ऊपर शिफ्ट करो कितना आएगा, इट्स ओमेगा इज इक्वल टू ऊपर आपके पास 10 रेस टू माइनस 2 डिवाइड बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो इसको लिखता हूं 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 डिवाइड बाय 4, सो दैट इजी आएगा कैलकुलेशन, 10 रेस टू 1 और 10 रेस टू माइनस 2 कितना होगा, 10 रेस टू 10 रेस टू माइनस 3 कितना होगा, 10 रेस टू माइनस 2 होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा 10 लिया बिकॉज डिवाइड करना इजी हो जाए। अब ये 4 से इसको कैंसिल करो, इज 2.5, सो दैट वी गेट वैल्यू इज 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, क्या है ये, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो योर ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड्स, दैट इज अ फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कैलकुलेशन इश्यूज होता है, ये डेसिमल वाले जो ना, ये लाइक यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने नहीं आ रहा है, 10^4 का स्क्वायर रूट पावर हाफ हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये टर्म्स ऊपर लिए, अब ये डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे, ऊपर लास्ट नंबर लेके आओ, न्यूमरेटर में हमेशा डिनोमेटर से लास्ट नंबर लेके आओ, उसके लिए 10^2 को शिफ्ट करेंगे, क्लियर, समझ में, चलो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने डायग्राम से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, चलो समझ में आया सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।